यह विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मुइन पठान का मुरादाबाद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए एडवोकेट मुइन पठान ने कहा कि हमारा संगठन हमेशा से आजम खान की नीतियों, उनके संघर्षों और उनके सिद्धांतों को पसंद करता है। जब जब आजम खान पर कोई भी संकट का समय आया तो हमारा संगठन संकट के समय में आजम खान के साथ रहा। मुरादाबाद पहुंचे मुइन पठान ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आ गई थी जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी को समाजवाद की नीतियों से अलग हटाकर ले जा रहा था और पूंजीवादियों का समाजवादी पार्टी पर कब्जा करा रहा था। ऐसे समय में आजम खान ने उस व्यक्ति विशेष की भरपूर मुखालफत की जो समाजवादी पार्टी को आम जनमानस की पार्टी बनाए रखना चाहते थे। कुछ समय बाद जब पार्टी को यह एहसास हुआ कि आजम खान के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक है तो समाजवादी पार्टी ने फिर से आजम खान से संपर्क किया और उन्हें वापस बाइज्जत उनके पद पर बहाल किया। तब समाजवादी पार्टी से फिर से मुसलमान जुड़ा। जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को निष्कासित किया था तो हमारा संगठन लोहिया विचार में तमामी प्रदेश में आजम खान के हित में समाजवादी पार्टी के उस फैसले के खिलाफ जन आंदोलन में उतर पड़ा था और प्रत्येक जिले में लोहिया विचार मंच ने समाजवादी पार्टी के उस फैसले की निंदा की। लोहिया विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मुइन पठान के साथ मुख्य रूप से अजीम खान, इकबाल सैफी, शान सिद्दीकी, वसीम, अमान मलिक, जिशान वासी, हाजी शराफत हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। मोहतरम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2008 और 9 जो हमारे कायद आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब की सियासत में एक अजीबो गरीब इनकलाब लेकर आया था। आजम खान साहब के जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह की शक्ल में पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा आइडियल बनाकर पेश किया था कि जिस मुलायम सिंह यादव को उनकी अपनी कम्युनिटी के ही लोग सरों आँखों पर बिठाए हुए थे, आजम खान साहब की जद्दोजहद के नतीजे में मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के भी हीरो बन गए। सन 2008 और 9 के कुछ वाक़यात इस तरह से रूनुमा हुए कि एक पूंजीपति साहब समाजवादी पार्टी पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहते थे और उन्होंने अपना कब्ज़ा जमा भी लिया था और समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण जी, मेहर यूसुफ अली जैसे समाजवादी पुरोधाओं के नक्शे कदम से हट चुकी थी। आजम खान साहब ने इसलिए समाजवादी पार्टी को बचाने का काम किया था उस वक्त कि वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे और आजम खान साहब की इब्तदाई राजनीति से चौधरी चरण सिंह साहब उनके आइडियल रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उनके आइडियल रहे और चौधरी चरण सिंह के की सरपरस्ती में तो आजम खान साहब को काम करने का मौके और मवायद भी मिले। समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब की उस दौरान नज़रअंदाजी की और जिसके नताइज समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़े। बहरहाल समाजवादी पार्टी को एहसास हुआ, मुलायम सिंह यादव जी को एहसास हुआ और आजम खान को बाइज्जत तरीके से पार्टी में फिर से लाया गया और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जिस वक्त आजम खान साहब को पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया था उन्हीं अयाम में लोहिया विचार मंच का उदय हुआ। मैंने तमाम ही वेस्टर्न यूपी में और पूर्वांचल में प्रत्येक ज़िले में जा जाकर समाजवादी पार्टी उन दिनों, मैं ये कहना चाहूँगा कि लोहिया विचार मंच ज़रा सा भी किसी लालच और तमा से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरी कुर्बत आजम खान साहब से जो है वो जग जाहिर है। मैं अपनी बहुत बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में बना चुका हूं और मज़ीद उसमें इजाफा कर रहा हूं। मैं अपने साथी मोहम्मद अजीम खान साहब जो मुरादाबाद से हैं, इनको मैं लोहिया विचार मंच का उत्तर प्रदेश का महासचिव इसलिए नियुक्त करता हूं कि आजम खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं और जो समाजवादियों की असली नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुँचाएँ और इस संघर्ष के दौर में सिर्फ और सिर्फ आजम खान साहब को लेकर
एक जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें। बहुत बहुत शुक्रिया।